नमस्कार साथियों, मैं कालूराम माली, अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अरणिया झाड़ली मालपुरट हूँ। मेरा विद्यालय बिल्कुल ग्रामीण और बिल्कुल इंटीरियर अजमेर और टोंक जिले की बॉर्डर के ऊपर लास्ट में बसा हुआ है विद्यालय। और ये विद्यालय 2017-18 के अंदर यहाँ पे स्थिति ये थी कि यहाँ पे जब हम आए उससे पहले की स्थितियाँ ये थी कि यहाँ पे जो भी स्टाफ था ठीक है, जैसा भी था, क्या उनके साथ क्या परिस्थितियाँ रही होगी, हो सकता है उनकी कमियाँ रही होगी, हो सकता है गांव वालों की कमियाँ रही होगी, तो आए दिन झगड़े फसाद होते रहते थे, लड़ाई झगड़े गांव वालों के बीच में, स्टाफ स्टाफ के बीच में। तो गांव वाले भी परेशान थे और अधिकारी लोग भी परेशान थे। तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर 17-18 के अंदर जब ट्रांसफ़र हुआ तो पूरे स्टाफ को वहाँ से चेंज कर दिया गया और फिर हमें वहाँ पे 5 साथियों को लगाया, जिनका मैं आपको परिचय करा देता हूँ। हमारे जो प्रधानाध्यापक है श्रीमान राम किशोर जी बेरवा, ये प्रमोशन होके नटवाड़ा से, निवाई से, टोंक से यहाँ पे अरणिया आए। और हमारे अग्रज भाई साहब नाथू जी पाड़िया जो सोडा से हैं, उनका भी ट्रांसफ़र करना तो सोडा की तरफ था लेकिन कुछ लापरवाही की वजह से ट्रांसफ़र इस अरणिया स्कूल में हो गया। बहुत ही जुझारू और कर्मठ अध्यापक हैं, समाज से भी हैं, जहाँ पे भी ये रहे हैं वहाँ पे अपनी सुगंध छोड़ के आए हैं और वो सुगंध आज भी चारों तरफ फैलती रहती है। और उसी बीच हमारे साथ भाई साहब रतिराम जी चौधरी अजमेर से ट्रांसफ़र करवा के आए हैं और वो भी बहुत ही जुझारू और कर्मठ साथी हैं। और सुरेश कुमार जी दवकिया जो मूल निवासी रहने वाले बोटुंदा राजमहल से हैं और जब ये ट्रांसफ़र करा के आए, चित्तौड़गढ़ से ट्रांसफ़र करा के यहाँ आए, तो ये हम 5 साथी थे। और जब विद्यालय में आए तो विद्यालय की जो स्थिति थी, क्योंकि बहुत ही जीर्ण शीर्ण हालत में था, छतें बिल्कुल ऐसे थी कि भरभरा रही थी और गेट दरवाजे खिड़कियाँ ऐसी स्थिति में थे कि आधे आधे नीचे से जो गेट थे बाहर सोच थे वो टूटे हुए थे, मतलब कि एक धक्का दे एक लात की दे तो वो सारे चरमरा जाए। आके देखा बरसात के दिनों के अंदर, जैसे ही पहली बरसात हुई तो पूरे मैदान में पानी भर गया और पानी निकलने की जगह नहीं थी। आते में दिमाग ख़राब, कमरों में घुसे तो पूरे कमरों से जैसे झरने चलते हैं वैसे झरने चलने लगे। ये देख के बड़ा विचलित हुआ मैं और हमारे साथियों से बैठ के बात की कि मैं सर यार क्या करें, ऐसी समस्या है और इन परिस्थितियों में हम आए हैं तो इन परिस्थितियों का मुकाबला अपने को करना है। और उस समय स्थिति ये भी थी कि गांव वालों की मानसिकता टीचर्स के प्रति, क्योंकि पुराने स्टाफ को देखकर ऐसी थी कि उनके दिमाग में नेगेटिव धारणा थी, तो उनका भी शुरू शुरू में समुदाय का जो कोऑपरेशन था हमारे प्रति इतना नहीं था, जो आज वो आंखें बंद करके हमारा सहयोग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमने बैठ के बात की कि यार इस समस्या का समाधान कैसे करें। और बाहर जैसे गेट के बाहर घुसते थे तो गोबर की रोड़ी वगैरह थी, तो वो भी एक समस्या थी कि वो भी अधिकारी आए, क्योंकि गंदगी वगैरह जो बच्चे वहीं से प्रवेश करते हैं तो हाइजेनिक मतलब कि स्वच्छता के लिए एक बहु ही एक चुनौती थी। तो बैठ के बात की, पैसों की समस्या थी, कहाँ से खर्चा करेंगे, कहाँ से निकालेंगे। तो हमने जैसे केसबुक वगैरह देखा, पुराना खाता देखा, तो उसमें पुराना कोई बजट पड़ा हुआ था जो किसी को भी पता नहीं था, लगभग 45,000 रुपये। तो हमने एचएम साहब से बात की, सर इस बजट को हम काम में ले सकते हैं और अगर मतलब इस और कुछ कम पैसा लगेगा तो अपन व्यवस्था करके कि जेब से लगा देंगे, बाद में देखा जाएगा जब बजट आएगा, कोई भी आएगा तो कोई एडजस्ट करेंगे। तो पहले तो हमारे प्रधानाध्यापक महोदय ने पहले तो कहा कि यार कहीं लफड़ा नहीं हो जाए, कुछ नहीं हो जाए। फिर हमने चलो आगे उच्च अधिकारियों से भी बात की, हमारे जो मार्गदर्शन लिया तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, जितना भी था वो बजट पूरी यूसियाँ पुरानी यूसियाँ तो लगभग लगभग सारी जा चुकी है,
क्योंकि काम करने वाले भी वही थे हमारे, जो 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 भी थे, उन्होंने कहा कि आप कुछ भी नहीं है, आप एसएमसी की बैठक लीजिए, अगर ऐसी स्थिति है तो मीटिंग लीजिए, प्रस्ताव लेके जो भी पैसा आप काम में लीजिए और विद्यालय के विकास में खर्च कर सकते हैं। तो फिर हम सब ने मिलकर एक बीड़ा उठाया और सबसे पहले तो जो छतें टपकती थी उसके लिए हम खुद, पास में एक मनोहरपुर गांव है जहाँ पे गिट्टी वगैरह पत्थर वगैरह खाने वगैरह चलती है, क्रेशर का काम होता है, वहाँ से गिट्टी लाए, सीमेंट वगैरह भी हम खुद जाके जितना कंप्रोमाइज़ करवा सकते थे कम रेट के अंदर सारी व्यवस्थाएं की हमने। करवाने के बाद हमारे वहाँ पे अरनिया के एक भामाशाह है, श्रीमान ठेकेदार जी है सीताराम जी, वो बेरवा जी, उनका हमारे तन मन और धन तीनों चीज़ों से इतना समर्पण और सहयोग रहा। उनके पास जो गिट्टी मिलाने की मशीन थी, उन्होंने फंटे वगैरह जो भी सुविधाएं उनके पास थी वो हमें अवेलेबल करवाई, लाइट वाली मशीन थी, और कारीगर वगैरह लाके हमने ये काम करवाया। तो ये 4 दिन में हमारा ये काम हुआ, लेकिन 2 दिन तो ए हमारा क्या कि जो स्कूल का पोर्शन था, 2 कमरे, एक बरामदा और एक ऑफिस, एक ब्लॉक ये था और दूसरे ब्लॉक में 2 कमरे और एक और उसका बरामदा था। तो 2 दिन में तो ये एक पोर्शन का काम हो गया था, और दूसरा पोर्शन का काम जब चल रहा था छत का काम, तो उसके अंदर वो पहले दिन लगभग 1 बजे तक वो आधी छत, आधी भी छत नहीं आ पाई थी, तो हमारे पास बजट वैसे कम था। तो फिर हमने बैठ के मगर साथियों से बात की, टीचर साथियों से, मैंने कहा सर ऐसे काम होगा तो हमारे पास ये 1 दिन एक्स्ट्रा और बढ़ेगा, 1 दिन बढ़ने का मतलब 6-7 हज़ार रुपये का लगभग एक्स्ट्रा खर्चा लेबर का। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई क्या करें, तो मैं कहा भाई आप सहयोग करो, और अगर आप लेबर यानी कि क्या सारी परिश्रम मतलब कि दान कर सकते हो तो अपन कर सकते हैं, तो ये काम निपटा सकते हैं, तो क्या करें बताओ। तो जो लेबर मतलब तगारियाँ वगैरह ले ऊँच रही ऊँचा मतलब कि ऊँच रही थी, और पेड़े के ऊपर जो औरतें खड़ी हुई थी, हमने उनको सबको नीचे उतार के कहा कि आप तो केवल तगारियाँ भर के ले जाओ। फिर हमने मतलब कि उन पेड़े के ऊपर हमारे साथियों को खड़ा किया, हम नीचे दो नीचे भरने वाले रहे, तो हमने इतना प्रयास किया तो आसपास जो गांव की लेबर थी वहाँ पे काम करने वाली, वो खुद देखकर दंग रह गई कि यार ये टीचर लोग मतलब ये कि मजदूर का काम भी ये खुद करने के लिए मतलब इतने तत्पर हैं। हमने लगभग 1 बजे से लेकर शाम के 5:15 बजे तक वो काम किया, ऊपर जो कारीगर थे वो देखने लग गए कि गुरुजी पे, और एक ने तो मुस्कुरा के ऐसा कहा गुरुजी एक दिन की तनख्वाह, एक दिन की मजदूरी तो बचा लिया आपने, मगर हम पहले सोच रहे थे आप क्या कहना चाह रहे हो। चलो ठीक है, हमने विद्यालय हित के लिए काम किया, घर पे करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन विद्यालय हित के लिए हमारा ये सहयोग है। गांव वालों हमारे काम देख के गांव वालों का भी समर्पण बढ़ा, उन्होंने हमारी सराहना की, गांव में जाके लोगों को कहा, वहाँ जो लेबर काम कर रहे थे उन्होंने कहा, तो धीरे धीरे उनका झुकाव बढ़ा। शुरू शुरू में अब ये काम चल रहा था, छतों का काम हुआ, खिड़कियाँ गेट वगैरह हमने लाके कारीगर को खाती को लाके वो भी रिपेयर करवाए, ये देख के अच्छा काम देख के गाँव वाले इम्प्रेस हुए। उसके बाद में सरपंच महोदया श्रीमती रेखा देवी सेन है, तो उनसे भी बातचीत की, क्योंकि मैडम ये काम है हमारे, एक पानी की समस्या है, और पानी की समस्या, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं क्या सहयोग कर सकती हूँ। तो बीच में क्या कि पहले बीसलपुर वाला पानी आता था, टैंक था, उससे भर जाता था, तो गांव वालों की वजह से या किसी कारण वजह से बिल वगैरह जमा नहीं करा पाए, और वो नल कनेक्शन सरकार ने काट दिया, तो हमारे स्कूल में पानी की समस्या हो गई। अब पानी पिए तो हैंडपम्प दूर पड़ता है, बाकी फ्लोराइड स्कूल में हैंडपम्प है उसमें इतना फ्लोराइड है कि बच्चे को हम पानी पिला नहीं सकते, समस्या हो गई। तो फिर हम क्या करें इसके लिए, तो बैठे बैठे ही मैं सोच रहा था क्या करें क्या करें, तो फिर मेरे दिमाग में ये आया कि हमारे स्कूल से लगभग 250 मीटर के ऊपर ही तालाब है, तालाब के अंदर जो जानवरों को पानी पिलाने के लिए एक बोरिंग खुदा हुआ है, लाइट वाला सबमर्सिबल मोटर लगी हुई है, तो मगर यार अगर बोरिंग खुदवाएंगे ये करेंगे पानी भी क्या पता कैसा निकलेगा, तो बेटा बेटा सोचा क्यों ना हम वहीं से एक पाइपलाइन लाके अपने पानी के टैंक में डाल दें, और इसमें हम ये करें तो हमारे बाकी खर्चा भी बच जाएगा और पानी की समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा, 10 मिनट अगर वहाँ से मोटर चल जाएगी अपना काम भी हो जाएगा। तो फिर मैंने साथियों से बात की, उसके बाद में देखो पहले साथियों से बात करें उनका सहयोग क्या रहता, फिर
जो हमारे गांव के ही समाज सेवी है, हमेशा सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं, भाई साहब जगदीश जी चौधरी हैं, बनाजी वहाँ के, उनसे हमने बात की। तो मगर आते मैंने कहा कि सर मैं एक गुस्ताखी करूँगा, आपका जो पानी का जो मोटर है और लाइन बची हुई उसमें मैं स्कूल की लाइन जोड़ूँगा जाके। तो उन्होंने कहा यार ये क्या पूछने की बात, बढ़िया चीज़ है तो बच्चों के लिए, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब रही पानी की पाइपलाइन की व्यवस्था की तो क्या करना है। तो फिर हमने हमारे सरपंच महोदय से बात की, मीटिंग की बात की, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, नरेगा से मैं खुदवा दूँगी और पाइप के पैसे और इनके टंकी के पैसे मैं दे दूँगी। तो उन्होंने ये सहयोग किया और वो पाइपलाइन से जुड़ गई और वाल लग गया और वो पानी की समस्या हमारी सॉल्व हो गई। फिर नामांकन के बारे में थी, तो मुझे यार नामांकन भी इनके साथ साथ ये चीज़ें चल रही है तो नामांकन बढ़ाया जाए। तो उस साल हमने छत वगैरह का काम करवाया, ये करवाया। फिर हमने हमारा टारगेट लिया कि भाई अगली बार अपने को क्या क्या करना है, यानी 17-18 का काम था। उस समय हमारा नामांकन जब हम आए थे तो लगभग 34-35, 36-37 का लगभग नामांकन था। तो नामांकन भी कम था क्योंकि मैं जहाँ से लांबार सिंह से ट्रांसफ़र होकर गया तो वहाँ 225 का नामांकन था। तो फिर मालूणी गया तो मालूणी भी ये स्थिति रही कि वहाँ भी 34-35 का नामांकन था, 10 महीने वहाँ रहा, फिर इधर आया तो यहाँ पर भी नामांकन कम मिला। तो वैसे ही नामांकन को देख के मैं थोड़ा ये रहा कि यार इतने कम बच्चे में क्या करेंगे, कैसे मज़ा आएगा पढ़ाने का करने का। तो फिर मेरे को चलो नामांकन भी बढ़ाया जाए क्योंकि भौतिक संसाधनों के साथ साथ बच्चों की शिक्षा और नामांकन पे भी प्रयास किया जाए। गांव वालों से बैठ के बातचीत की कि भाई जो भी 6 साल 5 साल से लेके 14 साल के बच्चे हैं, अगर कहीं सरकारी स्कूल में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो आप यहाँ पर भेजिए, या कोई ड्रॉप आउट है पढ़ने नहीं जा रहा तो उसको भी भेजिए। और हम विश्वास दिलाते हैं कि आपके जो पढ़ाई की का प्रयास है, हम प्राइवेट स्कूल से भी अच्छा करेंगे, अगर कोई कमी रहे तो हमें अगले साल आप कोई भी समस्या हो तो बता सकते हो। तो फिर हमने इसके प्रयास के लिए हमें टारगेट लिया कि भाई अगली बार क्या करना, कैसे नामांकन बढ़ाना है 17-18 के बाद 18-19 के अंदर। तो हमने एक टारगेट लिया कि भाई हम आस पास का जो गाँव है फूल मालिया, वहाँ पे भी हम जाएंगे और गांव वालों से बैठ के बात करेंगे कि जो 6 से 6, 7, 8 के बच्चे झाड़ली पढ़ने जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल में, या कहीं देवल भी जाते हैं, तो उन बच्चों को आप यहाँ पे भेजें और उसके लिए आने जाने की सुविधा के लिए क्या कर सकते हैं उस पर भी मंथन किया। तो सभी साथियों ने मिल के ये डिसीजन लिया कि भाई उनके लिए हम आने जाने के लिए वह डुग्गे की भी व्यवस्था करेंगे या साथ साधन की व्यवस्था करेंगे, जो भी करेंगे। तो इसके लिए हम वहाँ मतलब कि फूल माल्यान गांव के अंदर हम नामांकन वृद्धि के लिए गए। गर्मी का टाइम था, मई का टाइम था, मई के टाइम के अंदर बहुत धूप पड़ रही थी, गांव में नरेगा भी चल रही थी। तो गांव में गए तो गांव में तो मतलब कि अधिकतर गार्जियन से बच्चों के मिल नहीं पाए। तो फिर गाँव वालों से हमने बात की भाई ज़्यादातर उनके बच्चों के गार्जन्स कहाँ मिलेंगे। तो उन्होंने कहा गुरुजी पास में नरेगा चल रही है, यहाँ से आधा 1 किलोमीटर दूर, तो वहाँ जाइए और आवाम मिल जाएंगे। तो फिर हमने सोचा कि चलो हम आज नरेगा में चलते हैं, नरेगा में बैठ के बात करते हैं, चर्चा करते हैं गांव वालों से। तो वहाँ गए तो वहाँ पे संयोग ऐसा रहा कि हमारे स्कूल की किस्मत मानो या कैसे मानो कि वहाँ पे जैन साहब थे, इसके नरेगा के भरतपुर के थे, धाकड़ साहब, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, तो धाकड़ साहब थे, तो वो वहाँ खड़े थे। तो मैं जाके रिक्वेस्ट की कि साहब हम ऐसे ऐसे आए हैं बच्चों के नामांकन के लिए, आए हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, इन गार्जन से हम बात करना चाहते हैं और आपकी अगर परमिशन मिले तो हम, क्योंकि काम कर रहे थे लेबर तो बिना परमिशन के लेबर आ भी नहीं सकते, और फिर अधिकारी आया हुआ है तो अधिकारी के सामने वैसे लेबर कैसे आती है। तो फिर उन्होंने कहा कोई नहीं बात गुरुजी, आप 10 मिनट की आधा घंटा बात करिए, मैं भी बैठूंगा आपके साथ में, बुलाइए सबको। सबको बुलाया, लेबर आके बैठ गई वहीं जहाँ पे, जैसे चोड़ियाँ थी मिट्टी खोद रही थी, जहाँ बैठ गई हम भी वहीं बैठ गए, खड़े खड़े बातें करने लगे, पढ़ाई के लिए बातचीत की, पढ़ाई के महत्व के बारे में समझाया, धाकड़ साहब ने भी समझाया। फिर उन्होंने कहा कि गुरुजी हमारे साथ समस्या है, बच्चियाँ हैं, छोटे बच्चे हैं, उसको यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर है अरणिया स्कूल फूल मालिया से कैसे भेजेंगे। तो फिर हमने कहा कि भाई इसका भी समाधान हो जाएगा, अपन करेंगे भाई, इनके लिए साधन वगैरह लगाएंगे हम, और इसमें
आपको ये फ़ायदा होगा, जो ट्रांसपोर्ट वाउचर का जो पैसा मिलता है आपके बच्चे के खाते में आएगा, तो जो भी खर्चा आएगा अपन कंट्रीब्यूट करके आप अपने बच्चों को भेजो। और उसके लिए हमने ये कहा कि ठीक है, हम 2 महीने का जो भी किराया है आपके आने जाने का, साधन का किराया है, हम स्टाफ साथी मिलके हम उसका वहन करेंगे, और हम वो हमारी व्यवस्था है, हम कैसे करते हैं। तो गांव वाले तैयार हुए और 19 बच्चे, उस 18-19 के अंदर 19 बच्चे गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे थे, जाहली से आते थे, वो बच्चे हमारे स्कूल में आके एडमिशन लिया। बच्चियां थी, बच्चे थे, उनका एडमिशन किया और वो आना शुरू हुआ। तो 2 महीने का किराया हमारे विद्यालय परिवार ने, उसमें भी एक 3 बच्चे ऐसे हैं जो अनाथ हैं, अनाथ बच्चों का किराया हमारे विद्यालय परिवार या किसी जो भी गांव सहयोग की वजह से उनको अभी हमने जितना हम सहयोग कर सकते थे निःशुल्क, उनका पैसा हमने नहीं लिया, उनका भी हमने सहयोग किया। ये करने के बाद जब जैन साहब से हम बात कर रहे थे, तो वो हमारी बातों से इतना इम्प्रेस हुए वहीं पे नरेगा के अंदर, तो फिर मैंने कहा कि जैन साहब आप स्कूल पधारें और आप हमारे स्कूल देखिए हमने क्या क्या काम किया अब तक, कैसी परिस्थितियाँ थी, उस परिस्थितियों में क्या स्थिति थी विद्यालय की। तो वो हमारे से इतने इम्प्रेस हुए, गुरु जी मैं आ रहा हूँ ऐसी चीज़ों के लिए, तो मैं खुद भी तत्पर हूँ। फिर वो हमारे स्कूल में आए, और स्कूल में आने आने पर मेरे पहले दिमाग में था, साथियों से बात कर रखी थी, मेरे विद्यालय के पीछे बिल बड़े बड़े मतलब कि गड्ढे थे, वहाँ पे बम्बूल वगैरह उगे हुए थे, वो जगह बेकार पड़ी हुई थी, वहाँ पे बाहर गांव वाले आते थे शौच वगैरह करके, या ऐसी स्थिति थी जैसे सांप व बिच्छू वगैरह का भी इस विद्यालय में आने का अंदेशा था, क्योंकि गंदगी बड़े 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 बम्बूल थे। तो फिर मैंने जैन साहब को दिखाया, मेरे को साहब ये पीछे खाली जगह पड़ी हुई है, बिल्कुल विद्यालय के सटाके हैं, तो और हमारी इच्छा है कि आपका आशीर्वाद हो जाए, बच्चों के लिए खेलने के लिए भी जगह नहीं है, तो और गांव में भी इतना बड़ा छोटा सा गांव है, यहाँ पे भी कोई ऐसी विद्यालय सार्वजनिक जगह नहीं है, अगर किसी गांव में भी किसी के कोई फंक्शन वगैरह हो, कोई काम हो, तो वो काम में ले सके ऐसी जगह नहीं है, तो आप का सहयोग हो जाए, आशीर्वाद हो जाए बच्चों पे, तो ये पीछे की जगह हम कवर करना चाहते हैं, और इसमें कवर तो कर लेंगे लेकिन इतने बड़े गहरे हैं गड्ढे हैं कि इसमें मिट्टी डलवाना हमारे बस की बात नहीं है। फिर उन्होंने सहयोग किया जो भी नरेगा के तहत, और सरपंच साहब महोदया को भी बुलाया, उनका भी सहयोग रहा, वो भी हमारे प्रयासों को देख के इतने खुश हुए कि जब भी कभी भी छोटा सा प्रोग्राम भी करते हैं तो कहते हैं कि कोई प्रोग्राम हो हमें बुलाया करो और हमारे जितना होगा हम सहयोग करेंगे। फिर वहाँ से तालाब से नरेगा के तहत आसपास से मिट्टी उन गड्ढों में भरवाई गई, भरवाने के बाद इतनी बढ़िया जगह हो गई। फिर मैं चलो ये तो हो गया, अब इसके 4 दीवारी भी करवानी है, तो सरपंच साहब साहिबा से मिला, मिलके हम सब ने SMC में प्रस्ताव लिया, प्रस्ताव लेके HM सर ने, नाथूजी भाई साहब ने, सभी साथियों ने, और इसमें नाथूजी भाई साहब का बहुत बड़ा अहम योगदान रहा, क्योंकि जो एक डील करवाने का काम जैसे होता है, कैसे सेट करें पार्टी को, सरपंच साहब को किस तरह कंप्रोमाइज़ करना है, जैन साहब से बात करनी है, किससे क्या करनी है, तो ये चीज़ हमारे नाथूजी भाई साहब का इस विद्यालय विकास में काफ़ी अहम योगदान रहा। और प्रस्ताव लेके सरपंच साहिबा ने, क्योंकि चुनाव से पहले, सरपंच के चुनाव थे पिछले बार, जो उस चुनाव से पहले पहले उन्होंने प्रस्ताव लेके बजट लाके वहाँ काम शुरू किया, 4 दीवारी लगा दी। 4 दीवारी लगाने के बाद वहीं पे गेट बाहर एक तरफ गेट लगा दिया, पुताई उतई करवा दी, इतना बढ़िया मतलब कि काम हो गया, सभी गांव वाले ने देख के हमारी सराहना की। और इसके साथ साथ, क्योंकि मैं साथ साथ समस्या और समाधान साथ का साथ बताता जा रहा हूँ जो हमने प्रयास किया, क्योंकि फिर बाद में क्या तारतम्य नहीं रहेगा, और मेरे पास भी सिस्टमेटिक ऐसी चीज़ें लिखी हुई नहीं है, क्योंकि मैं टाइम नहीं मिल पाया किसी कारणवश, तो मैं जमा नहीं पाया। तो फिर उसके बाद में हमने ये विद्यालय का जो ग्राउंड वगैरह इतना बढ़िया हो गया, सभी गांव वाले जो भी आते सराहना करते, गांव में एक दो प्रोग्राम थे समाज के गांव वालों के, वो भी उनका भी प्रोग्राम हुआ, तो वो भी देख के काफ़ी खुश हुए कि
कि गुरुजी कोई बात नहीं है, अगर कभी कोई प्रोग्राम करे तो आप 1100 रुपये भी विकास के लिए विद्यालय 1000 रुपये 1100 रुपये लोगे तो हम देने के लिए तैयार हैं। हमारे गांव के लिए तो आपने बहुत बढ़िया काम कर दिया, क्योंकि हमारे गांव में ऐसी जगह ही नहीं थी। मगर ये तो यार आप ही का हम साथ लेने लेके जाने से रहे, क्योंकि आपका सहयोग है, सबका सहयोग है, तभी ये काम हो रहा है। तो गाँव वालों की भी मानसिकता जो समुदाय की थी, पहले दूर भगते थे, धीरे धीरे वो भी हमारे साथ सहयोग मिल कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और वो हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं, हमारे काम की सराहना कर रहे हैं, तो हमें भी मतलब कि काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है और हमें भी नया नया करने का की कोशिश करते हैं। उसके बाद में हमने एक टारगेट लिया है कि बच्चों के लिए ड्रेसें जो विद्यालय के लिए गणवेश है वो निःशुल्क दी जाएगी। तो इसके लिए निःशुल्क दी जाएगी तो क्या करें, तो हमारे नातूजी भाई साहब और हमारे हेड मास्टर साहब हैं, तो वो ठेकेदार जी के घर पे रहते थे, तो उनका भी मोटिवेशन करने में ठेकेदार जी का काफ़ी सहयोग रहा, मतलब कि हमारे HM श्रीमान रामकिशोर जी का। उन्होंने सीताराम जी भाई साहब जो ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर है, जयपुर काम करते हैं और समाज सेवी हैं, उन्होंने कहा गुरु जी ठीक है, ड्रेसें मेरी तरफ से जो भी लगे 21 22 25 जो भी लगे वो हम देंगे। और तैयार हो गए, फिर उसके बाद में चलो जूते भी फ्री देंगे, तो जूते के लिए हमारे बना जी हैं वहीं, क्या नाम उनका यार, दिलवीर सिंह जी, चलो अभी नाम याद आ जाएगा, तो जो अपने इसमें काम करते हैं अपने, क्या ये अक्षय पात्र है, अरनिया के हैं और जोधपुर काम करते हैं, तो उनकी सहयोग, उन्होंने कहा कि गुरुजी बच्चों के लिए जूते मैं मेरी तरफ से दूंगा, सभी बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, तो बच्चों का सहयोग उनकी तरफ से रहा, ड्रेसें उनकी तरफ से रही। फिर मगर चलो ठीक है, स्टेशनरी वगैरह के क्या करें, बच्चों के लिए स्टेशनरी भी फ्री देंगे, तो स्टेशनरी के लिए हमने प्रयास किया कि भाई ठीक है क्या करें, तो हमारे जगदीश जी चौधरी है जो हमारे भामाशाह हैं, सहयोग करता है, उनकी तरफ से स्टेशनरी का सारा जो खर्चा है वो उनकी तरफ से रहा, स्टेशनरी का खर्चा वो सारा हमारे जगदीश जी की तरफ से रहा। और उसके बाद में भाई ठीक है स्टेशनरी हो गई, ये हो गए, अब बैग है तो बैग का क्या करें क्या नहीं करें, तो बैग का जो कई भामाशाह तैयार होने का था लेकिन किसी कारणवश वो भामाशाह तैयार नहीं हुआ, बैग छप चुके थे, मतलब कोई बात नहीं है, जो है एक मिनट कोई काम आ गया था, क्या कह रहा था मैं, स्टेशनरी का जो सारा काम उनसे हुआ, स्टेशनरी के बाद में फिर बैग था, तो सारा बैग का खर्चा हमारे विद्यालय परिवार ने उठाया, सभी बच्चों के लिए बैग, एक एक बैग की व्यवस्था की गई। सर्दियों के दिनों के अंदर जर्सियां वितरण, जर्सियों की व्यवस्था की गई, वो जर्सियों का पैसा भी हमारे भाई साहब श्रीमान सीताराम जी बेरवा ठेकेदार की तरफ से दिया गया, उनका सहयोग रहा। तो बच्चों के लिए किताबें सरकार की तरफ से थी, सारे सुविधा पोसार मिल ही रहा, दूध मिल ही रहा, तो बच्चों के लिए तो इतना आनंद आ गया कि आनंद आने लग गया, बच्चों स्टाफ पढ़ाई के लिए भी समर्पित होने लगे, बच्चों का नामांकन बढ़ने लग गया। तो इस तरह पिछली बार हमारा जो 70 में नामांकन था, 68 का नामांकन रहा, और इस बार का जो हमारा जो नामांकन है 74 का नामांकन है, जो शुरू शुरू में हमारा लगभग 34 35 36 के लगभग नामांकन था, फिर उसके बाद में वो नामांकन बढ़ के इस साल का जो नामांकन है 74 का नामांकन है। ये हमारे सभी स्टाफ साथियों का सहयोग, गांव वालों का सहयोग, समुदाय का सहयोग और बच्चों का प्रयास रहा। और जब इस साल हमने टारगेट उठाया कि भाई ठीक है क्या करना है, तो इस बार का जो हमारा टारगेट था कि भाई इस बार हम पौधे लगाएंगे, लगभग 200 पौधों का टारगेट था, तो पौधे लगाने की जिम्मेदारी साहब नाथू जी और मुझे मिली गई, तो लगभग हमने 90 पौधे, जो बड़े पौधे के, आज पौधे के बाद में पेड़ बनते हैं
फलदार पौधे आंवला का है, इसके अलावा आम है, नीम है, पीपल है, और वो क्या जामुन है, दो बड़ के पेड़ हैं, ऐसे लगभग 90 पौधे हम मतलब लगाए हमने पेड़ों वाले। उसके बाद में फुलवारी वाले हमने हजारा वगैरह हजारा के पौधे हमने लगाए, लगभग 225 पौधे हजारे के लगाए। हजारे के बाद में केड़ियाँ होती है वो लगाई हमने, लगभग 150 केड़ियाँ लगाई। इसके बाद में लगभग हमने 125 पौधे गिलोय के, क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है, लगभग हमने 125 गिलोय के पौधे लगाए, और गिलोय लगी हुई है और अभी पत्तियां और प्रोग्रेस कर रही है। और गांव वालों को इस कोरोना काल के अंदर, क्योंकि तुलसी के पौधे लगाए हमने, दो तरह की तुलसी, राम तुलसी और श्याम तुलसी, गांव वालों के इन पौधों के बारे में बताया, इनके जो फायदे हैं उनके बारे में बताया। तो गांव वाले और हम सभी साथी लोग गिलोय है, तुलसी के पत्ते हैं, पूरे इस कोरोना काल में काम में ले रहे हैं, काढ़ा बनाने के अंदर गांव वाले भी काम में ले रहे हैं। जब भी उनको सर्दी जुकाम लगती है तो गांव वाले उसका मतलब कि काढ़ा बना के ले रहे हैं, और जिससे सर्दी जुकाम या कोरोना का अगर किसी को इन्फेक्शन भी हुआ है तो वो इसी मतलब कि काढ़े की इम्यूनिटी की वजह से बढ़ गया। तो ये पेड़ पौधों का जो जो हमारे थे, तो इसके अंदर इस बार जो पेड़ पौधों के अंदर हमारे जो सरपंच हैं, नए सरपंच श्रीमान सत्यनारायण जी मेघवंशी, उनसे बात की कि भाई सर हमें खड्डे पौधों के लिए गड्ढे उड्ढे खुदवाने हैं, तो लगभग उन्होंने हमारे 51 गड्ढे मतलब कि जो ट्रैक्टर गड्ढे करने की मशीन आती है उनसे गड्ढे करवाए, बाकी गड्ढे हमने खुद ने किए और वो पौधे लगाए, तो वो पौधे चल रहे हैं हमारे। और अब पौधों के साथ साथ कोरोना काल चल रहा है हमारा, काफ़ी इस बार मानस था कि इस बार हम एक बुक बैंक मतलब कि स्टेशनरी बैंक खोलेंगे वहीं पे, तो इस बार 100% हमारा मानस था कि स्टेशनरी बैंक खोलेंगे। स्टेशनरी बैंक के अंदर अपन क्या करेंगे कि जो भी हम स्टाफ साथी है, जितना हम हमारी तरफ से सहयोग कर सकते हैं, कोई भी भामाशाह है, पेन है, कॉपी है, पेंसिल है, जो भी दान कर सकता है, और वो बच्चों के लिए निःशुल्क वहाँ से जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उस विद्यालय से, उस स्टेशनरी बैंक में से कॉपी पेन पेंसिल रबड़ जो भी है वो पढ़ने की चीज़ें हैं वो इश्यू करवा सकते हैं। तो ये मानस था, तो जब भी स्कूलें खुलेंगे इसके बारे में भी सोचेंगे, और इसके लिए मेरे पूरे स्टाफ साथी है, हेड मास्टर साहब है, नातू जी भाई साहब है, हमारे पीओ साहब हैं, पिछले कैलाश जी मीणा जी हैं, उनका भी काफ़ी सहयोग रहा नामांकन वृद्धि में, गांव वालों को समझाने में, फूल माले वाले बच्चों को समझाने में, नामांकन वृद्धि में उनका बहुत ही अहम योगदान रहा। हमारे विद्यालय में भी आए, गांव वालों से बातचीत की, हमारे स्कूल की गतिविधियों को देख के वो भी काफ़ी इम्प्रेस हुए, हमारे जैन साहब इम्प्रेस हुए, गांव वाले हुए, सरपंच साहिबा और काफ़ी इम्प्रेस हुए, और आज भी जो भूतपूर्व सरपंच साहिबा है वो आज भी कहती कोई भी प्रोग्राम हो तो हमें बुलाइए और हमारे से जो भी सहयोग होगा हम करने के लिए तैयार हैं। तो ये क्यों सरपंच साहिबा ने तो अभी भी एक कमेंट कर रखा है कि भाई पुताई उताई के लिए अब देखेंगे, बात करेंगे भाई विद्यालय भवन के लिए पुताई के लिए क्या कहते हैं, चर्चा करेंगे उनसे, क्योंकि वो आगे से होके उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी, देखते हैं वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। इसके अलावा हमारे विद्यालय में पानी की समस्या वापस होने लग गई है, तो ये समस्या ये है कि इस बार क्योंकि जो तालाब के अंदर बोरिंग था वो बोरिंग भी 2 बार 3 बार वो मोटर ख़राब हो गई, सक्सेस नहीं हो रही है, तो हम परेशान हो गए, रिपेयर करवा के परेशान हो गए, गांव वाले परेशान हो गए, तो मगे यार बार बार क्या करें इसकी समस्या का, तो मगे यार अपना हैंडपम्प है, अभी बरसात वगैरह हुई है तो पानी भी बढ़िया हो गया है, और जब ये पानी काम में लेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। तो फिर हमने ऐसे ही मैं एक मालपुरा CBO ऑफिस डेपुटेशन में लगा हुआ था, तो उसी समय वही हमारे बामा साहब श्रीमान सीताराम जी ठेकेदार जी वहाँ कोर्ट में कोई राजस्व के काम से आए हुए थे, तो संयोग से मैं ऑफिस जा रहा था, तो ऑफिस जाते मुझे दिख गए, दिखते मैंने हमारे अकाउंटेंट साहब थे उनसे बात की, मैं गाड़ी रोको
आप चलो ऑफिस में, आ रहा हूँ, जाके बातचीत की और चाय वाय पी। चाय वाय पीने के बाद में फिर उन्होंने आगे होके कहा कि सर इस बार भी यूनिफॉर्म मेरी तरफ से कर देना। तो मैं कहा यार चलो देखो, मतलब कि कितना, मतलब कि आगे होके ये कह रहे हैं, इनकी इच्छा है कि पिछली बार भी यूनिफॉर्म इन्होंने दी थी, काफ़ी खुश हुए थे। बामा साहब सम्मान समारोह रखा था हमने, वहाँ पे सभी बामा साहब को बुला के हमने सम्मानित किया था, तो उसका प्रभाव रहा और हमारा सम्मान हमारे सभी गांव वालों का उनके प्रति स्नेह रहा। तो उन्होंने आगे होके कहा, तो मैंने कहा कि भाई साहब ये तो बात ठीक है, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि इस बार क्योंकि स्कूलें भी नहीं खुली है, अभी शायद बच्चों के पास, अधिकतर के पास, सबके पास ड्रेसें हैं, तो मेरी एक इच्छा है कि भाई विद्यालय के अंदर पानी की व्यवस्था की समस्या है, तो भाई क्या ये मोटर वोटर की व्यवस्था हो जाए। तो उन्होंने पहले तो कहा चलो यार बोरिंग करवा देंगे, आप बोलो आप कब करवाना। मैं भाई साहब बोरिंग मत करवाओ, बोरिंग के अपना हैंडपम्प लगा हुआ है, तो पानी की मोटर वगैरह की व्यवस्था हो जाए उसमें, तो विद्यालय में पेड़ पौधों को पिलाने के लिए और उसके लिए भी हमारी समस्या ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हर बार हम टैंक डलवाते हैं तो 400 रुपये का एक टैंक पड़ता है, महीने में लगभग 1200 रुपये खर्च हो जाते हैं, तो इतना हमारे विद्यालय परिवार में, विद्यालय में इतना पैसा कलेक्ट हो नहीं पाता है, सब्जी नहीं होती है, कितना खर्च करें हम। तो उन्होंने कहा, फिर मैंने कहा कि आप ऐसे करो कि भाई इसमें मोटर लगवा दो और बाकी जो पैसा बचेगा आप, हम आपके लिए दूसरा काम करेंगे। तो दूसरा भी उन्होंने एडवांस में कह दिया कि यार अगली बार ये करना। तो मैं शायद शेयर करना नहीं चाह रहा था, लेकिन नहीं करूँगा अभी, क्योंकि उन्होंने कह रखा मुझे उस काम के लिए, क्योंकि मैं पहले से नहीं कहना चाहता, जब वो काम हो जाएगा, क्योंकि पानी की मोटर के लिए तो उन्होंने कह दिया, और बाकी उन्होंने कहा कि यार वो चलो फिर बाकी का मैं एक काम और करवा दूंगा, तो उन्होंने उसके लिए भी भर की, वो पानी से संबंधित है और अच्छा, मतलब कि वो सबके लिए सुविधा होगी, विद्यालय परिवार के लिए, और वो एक बहता हुआ रास्ता है जो मनोहरपुर की तरफ, अजमेर ज़िले की तरफ जाता है, तो राहगीरों के लिए भी सुविधा होगी, तो ऐसी वो व्यवस्था करवाने का उनका मानस है, तो वो है उनके मन में है और मेरे भी है, तो उसके लिए हम बैठ के बात करेंगे। और अभी कोरोना काल चल रहा है, हम सभी गांव वालों के, विद्यार्थियों के, सबके संपर्क में हैं, लेकिन इस बार पढ़ाई का बच्चों को काफ़ी नुकसान हुआ और उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ रहा है, हमें भी भुगतना पड़ रहा है, बच्चों को भी भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा दिल काफ़ी मचलता है बच्चों का, क्योंकि अब जब वो स्कूल में आएंगे तो क्या स्थिति रहेगी, हमें कितना और ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा उनके लिए। और अभी जो स्माइल वाला चल रहा है, तो स्माइल के लिए सरकार का बढ़िया प्रयास है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन समस्या ये आ रही है कि गांवों के अंदर एंड्रॉयड फ़ोन की सुविधाएं नहीं है, किसी के पास टीवी नहीं है, किसी के पास डिसकनेक्शन नहीं है, मुश्किल से 10% लोगों के पास सुविधाएं हैं, तो वो भी सुविधाएं बच्चों के पास नहीं है, उनके गार्जियंस के पास है, गार्जियंस भी 24 घंटे वहाँ पर नहीं रहते हैं, कोई मजदूरी करता है, कोई खेती करता है, तो फ़ोन उनके साथ में रहता है, शाम को थोड़ी देर जब भी बच्चे आते हैं तो शायद उस समय मिल पाता। हम गांव में जाते हैं, बच्चों से बात करते हैं कि भाई बच्चों को स्माइल प्रोग्राम से जोड़ो, इससे जोड़ो, तो वो कहते हैं गुरुजी क्या करें, हमारे पास मोबाइल नहीं है, मोबाइल नहीं है तो बताओ नेट का रिचार्ज कितना करवाएं, हमारी स्थिति नहीं है। तो ये लगभग लगभग ग्रामीण क्षेत्रों में सब जगह ये समस्याएँ हैं, तो वो ठीक है अब क्या करें, इन समस्याएँ तो अकेले के साथ नहीं है, पूरे विश्व के अंदर, पूरे भारत के अंदर ये समस्याएँ हैं, तो इससे हम सबको जूझना है, लड़ना है और बच्चों के हित के लिए हम सबको काम करना है। वो नाम भूल रहा था मैं, बना जी का, बलबीर सिंह जी है जिन्होंने हमें जूते मोजे उपलब्ध करवाए थे, और खेल मैदान में समतलीकरण वगैरह ये सारी चीज़ें हमारे गणेश लाल चौधरी जी है, उनका भी ट्रैक्टर वगैरह काम, उन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया है, तो ये सारी चीज़ें हमारे जगदीश जी हैं, दिलीप सिंह जी है, बना जी हैं, और गांव वाले हैं हमारे, पोसार बनाने वाली हैं, दो दो माएँ हैं बूढ़ी, तो उनका भी हमारे विद्यालय परिवार में काफ़ी सहयोग रहता है, हमारे स्टाफ साथी है, क्योंकि बिना हमारे साथियों के हम कुछ भी नहीं हैं, ये टीम है, बिना टीम के। उसके बाद में 18-19 के अंदर राम सिंह जी, सामोता जी जो चौमू से हैं, साइंस मैथ के टीचर, वो लगे, उनका भी क्योंकि हमारे साइंस मैथ का टीचर नहीं था तो हमें भी बड़ी समस्याएं थी, वो आने के बाद हमारी एक समस्या ये भी ख़त्म हो गई, हमारे ऊपर जो
सब्जेक्ट का जो ज़्यादा भार था वो कम हो गया, तो हमें विद्यालय हित के लिए बच्चों के लिए काम करने का और ज़्यादा अवसर मिलने लग गया, क्योंकि हम भी क्योंकि टीचर नहीं होने के वजह से गणित और साइंस में उलझे हुए रहते थे, तो टीचर आने के बाद उनका भी विद्यालय की गतिविधियों में और इसके अलावा पढ़ाई के अंदर काफ़ी सहयोग उनका भी मिल रहा है। और जितने भी जयंतियाँ वगैरह होती हैं 15 अगस्त 26 जनवरी पर इतना भव्य प्रोग्राम हमारे दतिराम जी नाथू जी के सहयोग से, स्टाफ के सहयोग से इतने बढ़िया हर जयंती इतने बढ़िया करवाते हैं, व्यवस्था करवाते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं, जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट लेते हैं, गांव वाले पार्टिसिपेट लेते हैं। 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, जो भी हम कोई भी प्रोग्राम रखते हैं, साउंड वगैरह का सिस्टम होता है, तो बच्चे गांव वालों की जो माता बहनें थी, गांव की जो महिलाएं हैं, वो भी अपने आप को रोक नहीं पाते और उस मंच पे आकर उन बच्चों के साथ में वो भी नाचती है, गाती है और आनंद लेती है। और छोटे छोटे जो आंगनबाड़ी के जो बच्चे हैं, हमारे आंगनबाड़ी वाले की जो कार्यकर्ता वो परेशान रहती है, क्योंकि बच्चे आंगनबाड़ी पे रुकते कम है, सीधे स्कूल आके छोटे बच्चे हैं वो भी वहीं पे आते हैं, तो वो आती है कहती है कि सर आप हमारे बच्चों को भी ले आते हो। मैडम हम नहीं लाते, ये बच्चे आ जाते हैं, हम क्या करें बताओ, किन किन को भगाएं हम, अगर आपको ज़रूरत है तो आप ले जाया करो, वापस छोड़ जाया करो, खाना खिला के जो भी है आप पढ़ाना करना, बाकी ये बच्चे रुकना ही नहीं चाहते तो हम क्या करें। तो हम तो ये कहते हैं कि भाई ठीक है, अगर यहाँ पे एक आंगनबाड़ी कक्ष बन जाए या तो आप भी यहीं आ जाना, तो हमारी भी सुविधा रहेगी और आप भी परेशान नहीं होगे। तो इस बार बरसात के दिनों में हमारे आगे की दीवार टूट गई, दीवार बरसात में टूट गई, तो उसके बाद फिर बड़ी समस्या हो गई, जाली वगैरह पौधों के लिए ला रखी थी हमने, इस बार मुझे यार पौधों के लिए जाली वगैरह लगाएंगे और बाहर भी पौधे लगाएंगे तो गांव वालों से जो भी सहयोग होगा, जो भी करेंगे, तो हर पौधे के ऊपर हम एक प्लान चलाएंगे कि भाई पुण्यतिथि के रूप में, अपने बुजुर्गों की पुण्यतिथि के या उनकी तिथि के रूप में आप जो भी सहयोग करते हो, गोद लेना चाहते हो, उसके निमित्त जो भी हमें जाली का है पौधों की सुरक्षा के लिए जो भी सहयोग देना चाहते हो, उनके नाम पे हम मतलब ये रखना चाहते हैं, तो गांव वाले सहयोग करेंगे। तो बरसात आ गई और दीवार डसने के बाद हमने अभी तो टेम्परेरी वो जाली जो पौधों के लिए लेके आए थे वो लगा दी हमने, फिर सरपंच से जाके मिले, गांव वालों से मिले, तो सरपंच साहब को SMC की मीटिंग लेके एप्लीकेशन दी और हमारे नाथू जी भाई साहब के सहयोग से वो हमारे SDO श्रीमती राजेश्वरी जी यादव हैं मालवा में, उनका ट्रांसफ़र हो गया, उनसे जाके मिले, तो उनका भी काफ़ी जब विद्यालय की गतिविधियों को देख के और उनके प्रयास को देख के सुना और इतने इम्प्रेस हुए, तो उन्होंने तुरंत सेक्रेटरी और सरपंच को लेटर जारी करके ये कहा कि भाई जब भी टेंडर हो सबसे पहले इस विद्यालय के अंदर, क्योंकि लेट बाद भी हमारी बरसात वगैरह में इतने मतलब डैमेज हो गए बच्चों के लिए, तो एक तो मॉडर्न लेट बाथ बच्चियों के लिए एक आंगनबाड़ी कक्ष और एक प्रधानाध्यापक कक्ष, SER का एक लेटर बना के विभागीय आदेश इनको पंचायत समिति ग्राम पंचायत को दिया। तो जब भी टेंडर होंगे, जब भी बजट आएगा, तो प्रयास रहेगा हमारे नए सरपंच साहब का, गांव वालों का, SMC समिति का, कि हम प्रयास करें कि ये तीनों चीज़ें इस विद्यालय में बने और ज़्यादा से ज़्यादा गांव वाले अपने बच्चों को इस विद्यालय में जोड़ें और तन मन और धन से जितना सहयोग कर सकें करें, और हमारे से भी जितना भी तन और मन धन से जितना सहयोग होगा, हम बच्चों के प्रयास के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए और इस विद्यालय विकास के लिए हम काम करते रहेंगे। और सभी साथियों से हम निवेदन है कि जो स्नेह हमारे जो साथी जुड़े हुए हैं, स्टाफ साथी भी जुड़े हुए हैं, तो जो आज हमारी जो छवि बनी हुई है इस विद्यालय के अंदर, प्रत्येक स्टाफ की, पूरे विद्यालय की जो छवि बनी हुई है, क्योंकि इतनी बढ़िया छवि है कि हमारा जो शिक्षक सम्मान जो स्टेट लेवल पे होता है, मंचों पे सम्मान की हमारी जितनी मतलब पब्लिसिटी नहीं होती, मंचों पे सब मतलब कि सम्मानित होना, मेरी नज़र में ठीक है, बढ़िया है, सम्मानित होना चाहिए, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, क्योंकि मोटिवेशन तभी मिलता है हमारे साथियों को जब कोई सम्मानित होता, लेकिन मैं मेरी नज़र में तब मैं मानता हूँ कि जब लोगों की माउथ पब्लिसिटी होती है,
पब्लिसिटी होती है, एक दूसरे से हम सुनते हैं कि यार फलाना स्कूल में ये काम हुआ, फलाना स्कूल में ये काम हुआ, फलाना स्कूल में फलाना गुरुजी ये हैं। तो जो आसपास के हमारा जो एरिया है, आसपास ब्लॉक के अंदर है, जहाँ पे भी हमारी पब्लिसिटी हो रही है वो बहुत ही अच्छी हो रही है। लोग हमारी सराहना कर रहे हैं और हमारे से प्रेरणा लेके कोशिश कर रहे हैं कि क्या काम करें, क्योंकि उन्होंने इतना काम कर दिया तो हम भी करें। और इसके लिए क्योंकि हमारा विद्यालय जो परिवार है, विद्यालय में जितना भी बजट आता है उसमें हम कोशिश करते हैं कि कितना हम कोशिश करें कि फालतू वेस्टेज नहीं हो और उस पैसे का यूटिलाइज हो। बहुत से काम ऐसे करते हैं कि हम खुद करने की कोशिश करते हैं, जैसे बहुत सी बात ऐसी ऐसी स्थितियाँ होती है, पेंटिंग का काम है, पुताई मतलब नाम वगैरह लिखने हैं, ये करने हैं। तो हमारे नाथू जी भाई साहब बहुत ही बढ़िया पेंटर हैं, तो उनका क्योंकि हमारे विद्यालय में बहुत ही सहयोग रहता है, कोई भी पेंटिंग का काम हो, नाम लिखवाने का काम हो, कोई लोगो छपवाने का काम हो, तो वो हमेशा तैयार रहते हैं। और हम मैं उनसे सीखने का प्रयास करता हूँ कि भाई साहब मुझे भी सिखाओ और मैं भी आपका सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। साथ ही साथ हमारे विद्यालय के अंदर यानी कि जितने भी पेड़ पौधों से संबंधित है, जितने भी औजार हैं, लाइट से संबंधित जितने भी औजार हैं, वो हमने शुरू में आते ही, क्योंकि क्योंकि मैंने शुरू से देखी हुई समस्याएं स्कूल में, तो थोड़ा बहुत मैं काम जानता हूँ, लाइट का है, कंप्यूटर वगैरह है, तो मगर यार कभी स्विच ख़राब हो जाता, कभी क्या ख़राब हो जाता, एक दो बार मेन स्विच जल गया तो सामान नहीं था, पेचकश नहीं था, टेस्टर नहीं था, फ्लास्क नहीं था। तो एक दिन जाके मैं साहब से की कि बात साहब ऐसी ऐसी बात है, क्योंकि सामान चाहिए, मिस्त्री बुलाएंगे, वो 200 रुपये लेके चले जाएगा, और अपने विद्यालय में अगर 200 रुपये बचते हैं तो हम विद्यालय के बच्चों के ऊपर खर्च करेंगे, सामान चाहिए अपने को। उन्होंने कहा ले आओ, तो पेचकस है, प्लास है, औजार जितने भी है, पौधों से संबंधित है, केस कस्सी है, गेती है, करोत है, लकड़ी का गेट वगैरह से संबंधित कोई काम हो, सारी चीज़ें हमारा स्टाफ खुद करता है, बच्चे करते हैं, बच्चे खुद करते हैं, सहयोग करते हैं, कटाई का काम हो, लगाने का काम हो, छोटा मोटा काम हो, गेटों वेटों में रिपेयरिंग करनी हो, सारा काम, हथौड़ी वगैरह करनी वगैरह के छोटी मोटी रिपेयरिंग का काम है, सीमेंट बजरी ला के हमारा स्टाफ साथी, हम सब सब रफ एंड टफ हैं, सब सहयोग जिसको भी कहते हैं, कोई भी मना नहीं करता, कोई भी काम करना, यार ये लगाना, ये काम करना, तो वो छोटा मोटा जो काम होता है, क्योंकि इस चीज़ को अपन मानते हैं, अगर छोटी सी समस्या होगी, छोटे सा अगर मान लो डैमेज कोई चीज़ हो गई, तो धीरे धीरे वो बड़ी हो जाएगी, बड़ी होगी तो उसका खर्चा बहुत ज़्यादा होगा, और उसका वो खर्चा ज़्यादा होगा तो विद्यालय में नुकसान होगा, विद्यालय में नुकसान होगा तो बच्चों का नुकसान होगा, क्योंकि बच्चों के लिए हम अन्य जो सुख सुविधाएं, बच्चों के लिए पढ़ाई से संबंधित चीज़ें हैं वो खरीद नहीं पाएंगे। इसी तरह विद्यालय में 2-4 पंखों की व्यवस्था हुई, पंखे लगाए हमने, खुद ने लगाए, पंखों के अलावा हैंडपम्प की रिपेयरिंग है, वो चारों तरफ हैंडपम्प के पास में रिपेयरिंग का काम सरपंच साहिबा ने करवाया, पानी की टंकी है, सारे चीज़ें गांव वालों के सहयोग से हुआ। और इसके अलावा 15 अगस्त 26 जनवरी पर चंदा भी इकट्ठा हुआ, उससे भी काफ़ी सहयोग हुआ, जो भी फरमाइश जो भी प्रोग्राम होते हैं उसमें जो पैसा आता है उसमें मतलब कि प्रोग्राम का खर्चा साथ में बच्चों का पारितोषिक इनाम वगैरह से लेके, और जो पैसा बचा उन बच्चों के पढ़ाई से संबंधित, स्टेशनरी से संबंधित काफ़ी चीज़ें खर्च की। और इसी तरह हमारे नाथू जी भाई साहब और स्टाफ साथियों ने नाथू जी भाई साहब का, क्योंकि एक प्रोग्राम सामुदायिक प्रोग्राम अपना 15 अगस्त पे हो रहा था, तो हमारे विद्यालय के अंदर खुशी शर्मा है, देवराज है, रेखा है, रेखा नाइक है, पार्वती नाइक है, ये 5-6 बच्चे ऐसे हैं बिल्कुल अनाथ हैं, छोटे बच्चों को उनके पापा छोड़ के चले गए, तो इनकी परिस्थितियों को देख के हमारे नातू जी भाई साहब जो मन संचालन कर रहे, तो उनकी आंखों के अंदर आंसू टपकने लग गए और गला इतना भरभराने भर गया कि उनसे मंच नहीं संभाला जा गया, और जाके मैंने उस मंच को संचालित किया, संभाला, इतने भावुक हो गए, और उनकी ओर से 1100 रुपये डायरी पेन कॉपी उन बच्चों को वितरित की गई, और आज भी उन बच्चों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, कोई भी सहयोग की ज़रूरत होती है तो हमेशा तैयार रहते हैं। इसी तरह हमारे विद्यालय में इस बार का जो टारगेट था कि जो पौधे लग गए साइड दीवार को, तो बीच में ग्राउंड है,
वहाँ पे हमारा ही इच्छा है कि एक तो कबड्डी का ग्राउंड बनाने का है और साथ में इधर जो मेन स्कूल का ग्राउंड है उसमें वॉलीबॉल का ग्राउंड बनाना है और पीछे एक खो खो का ग्राउंड बनाना है बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए कबड्डी, खो खो और वॉलीबॉल और बैडमिंटन, मतलब ये चार गेम बच्चे खेल सकते हैं। कबड्डी के अंदर बच्चों से भी ज़्यादा हमारी बच्चियाँ इतनी एक्टिव है, इतनी मतलब की फुर्तीली है, इतनी अच्छा खेलती है, इतना अच्छा खेलती है, इतनी एक्टिव है कि हमारे मतलब की जब भी कोई टीचर कोई विद्यालय या डाक का काम करता है पीरियड में जैसे कोई नहीं हो पाता तो बच्चे कहते हैं सर लास्ट टाइम में जब पीरियड होता था स्कूल इंटरवल के बाद में लास्ट का जो पीरियड होता था बच्चे खेलने के लिए इतने तत्पर रहते थे सर हमें तो खिलाओ, तो वो कबड्डी और खो खो खेलने में इतना तन्मय रहते थे कि इस बार कोशिश ये करेंगे कि बच्चों के लिए कहीं भी टूर्नामेंट होगा तो टीम तैयार करेंगे, हमारे साथियों को कहेंगे टीम तैयार करो और खिला के लाओ। और इसके लिए भी कबड्डी के लिए हमारे जगदीश जी जो समाज सेवी चौधरी जी है वो स्टेट खेल के आए हुए हैं, वो जब वो पढ़ते थे तो कबड्डी का मतलब कि कोच का सहयोग उनसे लेंगे, मार्गदर्शन लेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ पीटीआई तो है नहीं लेकिन हमारे पीओ क्षेत्र के अंदर पीओ क्षेत्र में खारोल साहब पंकज जी पीटीआई जी हैं, इसके अलावा भागचंद जी खारोल है जो सुरेंद्रपुरा है वो भी पीटीआई है, टीचर प्रबोधक हैं, तो उनका भी हम सहयोग लेंगे। उन्होंने कहा कि जब भी आप हमारा सेवा लेना चाहो हम तैयार हैं। इसके अलावा सारा जो पीओ स्टाफ है हमेशा कोई भी हमारे विद्यालय संबंधित काम होता है तो वो भी हमारा सहयोग करने के लिए तैयार रहता है और पीओ साहब भी हमेशा हमारे काम की सराहना करते रहते हैं और काफ़ी जो भी काम होता है हमारा सहयोग करते हैं। पीओ क्षेत्र में जितने भी विद्यालय हैं हमारे स्टाफ साथी हैं एचएम हैं वो भी हम उनसे बातचीत करते रहते हैं, हमारी सराहना करते रहते हैं और हम एक दूसरे का मतलब कि मार्गदर्शन करते रहते हैं। तो इसलिए मैं इस काम के लिए, क्योंकि शुरू से ही मैं जब बापूनगर था तो उस समय एपीएफ का भी काफ़ी सहयोग रहा है क्योंकि मालपुरा क्षेत्र के अंदर इस एपीएफ को फैलाने का जो शेरिए भाई देवेंद्र जी का काफ़ी रहा है। सबसे पहले मैं मिला था तो देवेंद्र जी से लांबर सिंह में मिला था, मैं भी जयपुर से एनजीओ में काम करता था, ऑफिस मैनेजर था, वहाँ से छोड़ के आया था और ये भी इधर एपीएफ के काम से आए हुए थे। तो जब मिले तो इनके पास सेव द चिल्ड्रन का बैग लटका हुआ था तो जाके बातचीत की मैं कि सर आप यहाँ काम करते हो, नए नए पहले करता था, ऐसे काफ़ी बातें हुई। तो तब से ही हम देवेंद्र भाई से ऐसे भाई की तरह, बड़े भाई की तरह मानता हूँ मैं उनका, इनका काफ़ी मार्गदर्शन रहता है। उसके बाद में यहाँ पर मुरली जी भाई साहब हैं गुजर, कैलाश जी गुप्ता है, इनका भी काफ़ी सहयोग रहा और संयोग रहा कि एपीएफ के अंदर काफ़ी साथी हैं, नरेंद्र जी चौधरी हैं, अनिल जी हैं, ये इनकी टीम हैं, इनके जो साथी हैं, इनके साथियों से मैं मिला था लगभग 9 के अंदर या 8-9 के अंदर मिला था। तो प्रश्न पत्र निर्माण कार्यशाला थी उनियारा, वहाँ मिला था। तो जब मिला तो इनके जो मित्र थे क्लोज मित्र वो मेरे साथ कलीग थे एनजीओ के अंदर, साथ काम करते थे दीन भाई साहब दीनदयाल जी चौधरी। तो जब परिचय हुआ तो यार आप कैसे जानते हो, तो तब से मतलब कि वो मेरे दोस्त के दोस्त हैं, तो दोस्त भी हैं साथ, मतलब कि इनका मार्गदर्शक देवन नरेंद्र जी है, अनिल जी हैं और क्या नाम है यार एक और वो हैं, तो ये इनका भी काफ़ी सहयोग मिलता है। कैलाश जी गुप्ता जी है तो, और अपने क्या नाम है वो चुग साहब हैं, दिलीप जी हैं, तो मैं इन सबका आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि ये शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और टीचर्स सपोर्ट के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और कोई भी हमारी समस्या होती है हमें इनके सहयोग की ज़रूरत होती है तो हमें कभी मना नहीं करते। और कोरोना काल के अंदर एपीएफ के द्वारा जितना भी सहयोग आया, खाने की किटें आई मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए,
इसके अलावा सैनिटाइजर वगैरह आए हैं, इन्होंने काफ़ी गांव तक पहुंचाने का हमारे द्वारा प्रयास किया। तो मैं पूरी APF टीम को, पूरे APF को और इस APF को चलाने वाले को, इसका जो मालिक है, सबको मैं साधुवाद देना चाहता हूँ कि इस कोरोना काल में भी आप मतलब कि ऑनलाइन कार्यशाला करते रहे, इसके अलावा तन मन धन से लोगों का सहयोग करते रहे, और आज भी मालपुरा जैसे बड़े बड़े शहरों के अंदर आप कैनोपी लगा के हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्थाएं करवा रहे हो, और चौराहे वगैरह पे, सार्वजनिक जगह पे टंकियाँ वगैरह सैनिटाइजर की व्यवस्था कर रहे हो, हाथ धोने की व्यवस्थाएँ करवा रखी है। तो और हर तहसील लेवल के ऊपर आपने लाइब्रेरी खोल रखी है, जिससे हम सभी ब्लॉक के शिक्षक लोग, ज़िले के शिक्षक लोग लाइब्रेरी की किताबों का यूज़ कर रहे हैं, बच्चों के लिए यूज़ कर रहे हैं, और एक वो बैग वाली जो लाइब्रेरी वाला जो सिस्टम चला रहा, वो भी बढ़िया सिस्टम, इतना बढ़िया लगा, लेकिन वो कोरोना काल की वजह से बच्चे भी नहीं आ रहे, वो भी ठप हो गया। ठीक है, अब कोरोना के बाद जब भी बच्चे आएंगे, बैग वाला जो किताबों का सिस्टम था, बार बार एक्सचेंज करना, वो भी बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा मतलब कि प्रयोग रहा है। तो अभी क्या बताऊँ मैं, मेरे पास जो था, अगर मैंने लगभग लगभग जो प्रयास किया मैं बता चुका हूँ, और गांव वालों का अच्छा रिस्पॉन्स है, और इस बार भी हम विद्यार्थियों के लिए जितना हम कर सकते हैं, जितना हम भामाशाहों से निचोड़ सकते हैं, ले सकते हैं, भामाशाहों का सहयोग ले सकते हैं, इस विद्यालय हित के लिए, इन बच्चों के लिए हम प्रयासरत रहेंगे, सहयोग करते रहेंगे। और इसके लिए मैं फिर मेरे जितने भी स्टाफ साथी हैं, पूरे PO ब्लॉक के स्टाफ साथी हैं, CBO ब्लॉक, CBO साहब का भी काफ़ी सहयोग रहता है, CBO साहब के अलावा पूरी CBO ऑफिस का भी मेरे विद्यालय के प्रति स्नेह है। विद्यालय से संबंधित कोई भी काम होता है तो वो कभी मुझे मना नहीं करते, और विद्यालय के लिए हमारे अकाउंटेंट साहब ने भी काफ़ी सहयोग किया, जाली वगैरह पौधों के लिए व्यवस्था के लिए उन्होंने कहा कि एक जाली जो भी लगेगी पौधों के लिए मेरी तरफ से व्यवस्था करवा देना, तो उनका भी काफ़ी सहयोग रहा है, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, स्टाफ साथियों को, हेडमास्टर साहब को, नातूजी भाई साहब को, रतिराम जी को, सामोता जी को, सुरेश जी को, क्योंकि जिस तरह अब तक अपना विद्यालय में प्रयास रहा, तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि आप सभी ये जो भुजा मुट्ठी है, मुट्ठी बन के रहें, और इस क्योंकि हमारी जो छवि है, हमारा कर्म है, वही हमारी पहचान है, लोगों की जो माउथ पब्लिसिटी है, वही हमारा पुरस्कार है, वही सम्मान है। तो मैं सभी साथियों से कहता हूँ कि वो कंधे से कंधे मिलाकर हमेशा चलते रहें, और इस पुनीत कार्य में, इस शिक्षा के यज्ञ के अंदर अग्रसर बने रहें, और इसका पुण्य लेते रहें, जिसका हमारे परिवार को, हमारे घर गृहस्थी में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी, समृद्धि बनी रहेगी। और मैं एक बार फिर सभी साथियों को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप सभी लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, और मेरा ये अकेले का प्रयास नहीं है, मेरे HM सर से लेके मेरे साथियों का, गांव वालों का, सरपंच साहब का, साहिबा का, PO साहब का, CBO साहब का, APF टीम का, सभी साथियों का, मेरे दोस्तों का, सबका सहयोग रहा है। मैं सबका हृदय से आभार अभिनंदन करता हूँ, और इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों से एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ, इस बार डाइट के अंदर जो नामांकन वृद्धि के ऊपर जो रिसर्च हुआ, जो शोध हुआ, उसके अंदर हमारे हेडमास्टर साहब ने शोध पत्र रखा है, और उस शोध पत्र के ऊपर इस विद्यालय को डाइट के द्वारा सम्मानित किया गया, और डाइट की तरफ से जो किताब निकलती है, उस किताब के अंदर इस शोध पत्र है, इसको छापा जाएगा और इस विद्यालय का नाम आएगा। तो मैं हेडमास्टर साहब का काफ़ी अहम योगदान है, जिन्होंने हमारे इस
शोध पत्र को वहाँ पे प्रस्तुत किया और बहुत ही अच्छी तरह से उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया, जिससे इस शोध कार्य के अंदर इस विद्यालय का नाम, डाइट की जो पुस्तिका है, पत्रिका निकलेगी, उसके अंदर इस विद्यालय का नाम आएगा और हमारा शोध पत्र छपेगा। इसके लिए मैं हमारे व्हाट्सएप के और हमारे साथियों के सहयोग को मैं नमन करता हूँ, धन्यवाद सभी साथियों को, और मैं अब सबसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।